हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, मॉड्यूल 3 जो कि ऑल अबाउट था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, मॉड्यूल 4 जिसमें हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डैम्प्ड वाइब्रेशन सीखा, ठीक है। अब मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 जो दोनों थे वो फ्री वाइब्रेशन थे। When I say free vibration, then it means that as I told you in the first lecture itself, that the element or the system will vibrate after giving displacement once, and it will stop due to the air resistance or due to its own property. Now when I am moving towards the model 5, that is forced vibration. And when I say forced vibration, it means आप सिस्टम को कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे और आपका सिस्टम वाइब्रेट होता रहेगा। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन में। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपके यूनिवर्सिटी का पार्ट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो अगर आपको मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 आता है तो आपको मॉड्यूल 5 आराम से आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन कंक्लूड राइट नाउ। ओके, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ थोड़े से फॉर्मूले लिस्ट है, एंड वंस यू गेट द फॉर्मूला देन रेस्ट ऑल अदर थिंग्स आर सेम एज यू हैव स्टडीड इन मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल 5 टुडे, एंड आई विल जस्ट गिव यू एन ब्रीफ अबाउट दिस इक्वेशन। आपने ये इक्वेशन देखा रहेगा, ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन है, इफ़ यू रिकॉल, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स प्लस के एक्स, बट राइट हैंड साइड में ज़ीरो रहता था। ओके, बट इस केस में राइट हैंड साइड में ज़ीरो नहीं होता है, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ साइन ओमेगा टी होता है। दैट एफ ऑफ साइन ओमेगा टी इंडिकेट्स द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो ये कॉमन डिफरेंस है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर। फ्री वाइब्रेशन में आपका राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो रहता है वो ज़ीरो रहता था, बट इस फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी एफ ऑफ साइन ओमेगा टी, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इफ यू रिकॉल थीटा कोऑर्डिनेट इक्वेशन, तो आई थीटा डबल डॉट प्लस सी थीटा डॉट प्लस के थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर द मॉड्यूल 3 एंड 4। आपने मॉड्यूल 4 और 3 में देखा रहेगा, यहाँ पे ज़ीरो आता था राइट हैंड साइड में, बट अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन दिस इज़ व्हाट एम ऑफ साइन ओमेगा टी, सो राइट हैंड साइड विल नॉट बी ज़ीरो इन द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू कंक्लूड इन योर फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो, कि आप फोर्स्ड वाइब्रेशन में सिस्टम पे कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, एंड दैट इज़ वॉट फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, सो वो हमने मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश की। इफ़ यू सी मैथमेटिकली वॉट यू कैन गेट हियर, राइट हैंड साइड में विल नॉट बी ज़ीरो, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट फोर्स वैल्यू इज एफ ऑफ साइन ओमेगा टी, एंड दिस ओवर हियर इट इज फॉर थीटा कोऑर्डिनेट इट इज एम ऑफ साइन ओमेगा टी। ओके, नाउ इन मॉड्यूल 5 देर आर डिफरेंट केसेस, सो केस 1 केस 2 सच एज लाइक दैट। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फोर्स्ड वाइब्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, आई विल टीच यू वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, नो नीड टू वरी अबाउट इट। पहले तो मुझे सिर्फ यही बताना था वॉट इज डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, सो आज से हम मॉड्यूल 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब लोग याद रखिए। अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ आता हूँ, मतलब फॉर्मूला लिस्ट की तरफ आता हूँ। सो इफ आई सी फॉर्मूला लिस्ट, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर द होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस फोर्स्ड वाइब्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। So you have to prepare a formula list after my session, and you have to keep that formula list ready every time while solving the numerical. Now you can see there are different symbols in this formula like x, xxt, r, zeta.
I will discuss the meaning of each and every symbol right now. So the meaning of x is nothing but steady state amplitude. Remember this word, steady state amplitude. This is also called as the amplitude due to forced vibration. Amplitude due to forced vibration. Okay. So if in exam they ask you to find out steady state amplitude, it means they are asking you to find out the value of x. Okay. Now, x-axis stands for static deflection. X-axis stands for static deflection. And that static deflection is given by F naught upon K, where F naught is the magnitude of external force. I told you in the forced vibration, we are going to apply the external force. So the value, that magnitude of external force, is being represented with the symbol F naught. And the K, as usual, it is the stiffness of spring. Okay, it is a stiffness value. Fine. Now, this formula, that F naught by K, is valid when your system is in x coordinate. So I have given you the formula in terms of x coordinate only. Okay, but what happens when there is a theta coordinate? I will explain that with the numerical only. So you will get a clear idea. So I am giving you an idea with respect to the only x coordinate. Okay, and accordingly I have defined x and I have defined x xt. Now, if you go further, there is another formula called as a phase angle, which is being symbolized with the symbol phi. And that phi is equal to tan inverse of 2 zeta r upon 1 minus r square. So phase angle is defined as phi is equal to tan inverse of 2 zeta r upon 1 minus r square. Now if you take this xxt, which is given in the numerator of right hand side over here, मतलब आप इसको अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये रेशियो बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स एक्स टी. सो दैट रेशियो एक्स अपॉन एक्स एक्स टी इज कॉल्ड एज अ मैग्निफिकेशन फैक्टर. ओके, सो दैट रेशियो एक्स अपॉन एक्स एक्स टी इज कॉल्ड एज अ मैग्निफिकेशन फैक्टर. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ यू आर राइटिंग दिस इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, एंड इफ यू आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो दिस विल बी द इक्वेशन. नाउ इफ यू सी द फॉर्मूला, there is a term small r. So that small r is also reflected in the phase angle formula. So that small r is called as a frequency ratio. Okay, small r is called as frequency ratio, which is being given by the formula omega upon omega n, where omega is the forced frequency, that is forced vibration frequency. Omega n is the natural frequency. Okay, I am again repeating, R is called as a frequency ratio, where omega, it is given by the ratio of omega by omega n, where omega is the forced vibration frequency and omega n is the natural frequency. Okay, don't see this formula right now, because jab ye use hoga I will let you know. Filhal ke liye aapko top se leke yahan tak pe padhai karni hai, isko samajhna hai, aur maine har ek term ko individually aapko explain karke diya hai. ओके, तो जब आप इसको खुद से गो थ्रू करोगे यू विल गेट एन क्लियर आइडिया. व्हाट आई कैन कंक्लूड, इट इज ओनली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. इन दैट फॉर्मूला द मीनिंग ऑफ एक्स एंड एक्स एक्स टी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, इट इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो विच इज गिवन बाय ओमेगा एन. इफ यू वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फेज एंगल विच इज बीन गिवन बाय टेन इनवर्स ऑफ टू जीटा आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर. एंड इफ यू take this numerator to the denominator in the left hand side, so it becomes x by xxt, which is also called as a magnification factor. Okay, so this is all about the summary of the part 1, that is case 1. Okay, now let's try to understand what happens when these things are given in theta coordinate. Okay, so first of all, if you want to write down this equation in terms of theta coordinate, you have to replace this x by theta and xxt by theta st. Okay, you will see this in numerical, but I am just giving you an idea. X ko replace karna hai theta se aur xxt ke jagah pe likhna hai theta st. Denominator there is no change. Okay, so you don't have to worry about the denominator part in theta coordinate. Just x ki jagah pe theta likho, xxt ki jagah pe theta st likho. Ab agar aapne theta st likha, so theta st ka jo value hoga वो एम नॉट बाई के टी होगा, वेयर एम नॉट
is the external moment and kt is the torsional stiffness. Okay, so please remember, when you are writing theta st, so that time theta st is m naught, that is external moment, upon kt, where kt stands for torsional stiffness. So अगर ये एक्स एक्स टी होता है तो ये होता है एफ नॉट बाई के, और अगर थीटा कोऑर्डिनेट में होता है तो थीटा एस टी होता है, तो ये होता है एम नॉट बाई के टी. ओके, सो व्हाट आई कैन कंक्लूड, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, एंड आई विल टीच यू अ लॉजिक हाउ टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला इन डिफरेंट केसेस, देन यू विल बी मास्टर इन दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू न्यूमेरिकल्स. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, सर हाउ आई विल आइडेंटिफाई दैट दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन केस वन, दैट इज पार्ट वन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको की वर्ड्स सर्च करने हैं, की वर्ड्स. अगर ये की वर्ड्स मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपका मॉड्यूल फाइव पार्ट वन पे दिया गया है. ओके, सो ये पार्ट वन में की वर्ड्स कौन से हैं मैं वो बता देता हूँ. अगर न्यूमेरिकल में बोला रहेगा फाइंड आउट स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड, ओके, फाइंड आउट स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड, मतलब आपको पार्ट वन, दैट इज केस वन यूज़ करना है, मतलब ये सारे के सारे फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं जो अभी हमने पढ़े. ओके, सो दिस इज वॉट कीवर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट कीवर्ड इज वॉट, फाइंड आउट स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड. इफ सच थिंग इज आस्क्ड, देन यू हैव टू यूज केस वन फार्मूला. सेकेंड कीवर्ड, अगर उन्होंने बोला है बॉडी इज सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक एक्साइटेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ दे से बॉडी इज सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक एक्साइटेशन, इट मीन्स दैट अगेन यू हैव टू यूज केस वन के फॉर्मूलेस. सो मैंने आपको दो कीवर्ड्स बता दिए, पहला फाइंड आउट स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड, दूसरा बॉडी सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक एक्साइटेशन. अगर ये दो कीवर्ड्स है, इसका मतलब आपको केस वन के फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं. ओके, सो अब ये हमने बहुत सारी समरीज सीख ली, बहुत सारे नोट्स सीख लिए, हमने कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है जिससे मुझे पता चलेगा कि ये केस वन का न्यूमेरिकल है, वो भी सीख लिया. अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हूँ. क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बार. नाउ इफ यू सी दैट ड्रॉइंग इज गिवन, that values are also given to the right side of the question. So this much part which I am highlighting in my box, you can see here, this much parts are the part of question. Okay, this is already given, but if you see the first line of this question, what is written there, what is the steady state amplitude. Okay, now I told you there are two keywords, first find out the steady state amplitude, second body is subjected to harmonic excitation. Now which keyword is present here? The first keyword, find out a steady state amplitude. You can see here, what is the steady state amplitude? Means, if such keyword is given, means you have to use the case one formulas and you have to solve it. Okay, I hope you are getting this part very much clearly. So, मुझे इस statement से समझ में आता है कि मुझे case one का formula use करना है. अब मैं उस formula को कैसे use करना है सिखाऊंगा. पहले आप ये drawing देख लो, ये numerical में given है. एक rod है, हॉरिजेंटल रॉड है, दिख रहा है, उस रॉड पे एक स्प्रिंग अटैच किया गया है जिसका डिस्टेंस है 0.2 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड. फिर एक डैम्पर है जो कि एकदम एंड में लगाया गया है, उस डैम्पर का डिस्टेंस जो है वो टोटल लेंथ ही पकड़ लो क्योंकि एंड पे लगाया गया है, वो वैल्यू है 1.1 मीटर. ओके, फिर इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक नया सिम्बॉल आया, ये देखो मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया है. ये जो नया सिंबल आया ना F नॉट साइन ओमेगा टी, कभी भी याद रखना कि अगर आप फोर्स्ड वाइब्रेशन सीख रहे हो, फोर्स्ड वाइब्रेशन में आपको एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है F नॉट साइन ओमेगा टी. अगर ये वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये हुआ ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का न्यूमेरिकल है. क्योंकि अगर आप रिकॉल करोगे मॉड्यूल थ्री और मॉड्यूल फोर के न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ पे कहीं पे भी हमको ऐसा लिखा हुआ कभी नहीं दिखा. ओके, बट इस न्यूमेरिकल में हमको फर्स्ट टाइम दिखा. तो यही क्लासिफिकेशन है, यही तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि हाउ दिस न्यूमेरिकल इज डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूल थ्री एंड मॉड्यूल फोर.
ओके सो प्लीज ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस दैट अगर आपका मॉड्यूल 5 में न्यूमेरिकल है तो ऐसा आपको एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट दिखेगा या फिर एक्सटर्नल मोमेंट कंपोनेंट दिखेगा, आई विल लेट यू नो। ओके तो अब उसमें एफ नॉट जो है एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी है 100 न्यूटन, स्टिफनेस की वैल्यू जो दी गई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर, डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी की वैल्यू दी गई है 30 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ये जो एम है ये है मास ऑफ रॉड, इस क्वेश्चन में मास ऑफ रॉड आपको दिया गया है। ओके तो मास ऑफ रॉड है 1.8 kg, ओमेगा दैट इज फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। ओके व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द फोर्स्ड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, सो दैट वैल्यू इज ऑल्सो गिवन टू यू एज अ 100 radians per second। ओके तो ये पूरी वैल्यूज आपको दी गई है। ओके अब मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, हिंट देता हूँ। मैंने आपको सिखाया है कि हमको मैक्सिमम टाइम एक ही काइंड ऑफ एनर्जी मेथड यूज़ करते हैं, एक ही मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट इक्विवेलेंट पैरामीटर मेथड, इन दैट वी फाइंड आउट द डिफरेंट एनर्जीज एंड देन वी गेट द वैल्यूज एज पर आवर रिक्वायरमेंट, करेक्ट। बट बिफोर दैट आई शुड अंडरस्टैंड माई न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू विच कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेदर इट इज़ इन एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम और इन थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके सो इफ यू सी दिस, दिस इज अ रॉड and that rod is hinged at the end over here, you can see here that rod is hinged at the end. Now if you pull this, if you rotate this, if you give external force of f naught sin omega t at the end, so this rod is going to rotate with respect to what, this hinge point. So now let me be very much specific, this numerical is based on theta coordinate displacement, correct, because this rod is going to have an angular displacement after an application of force. Okay, so be very much clear in numericals, because unless and until we don't know the kind of coordinate in displacement, then we can't solve. Okay, so for that reason I told you first that this numerical is in theta coordinate numerical. Okay, but the force which is applied is f naught sin omega t, this is linear force. But whenever the numerical is in theta coordinate, that time there should be moment. Please be very much clear. Okay, whenever your numerical is in theta coordinate, there should be moment value. Okay, but this is given as what, force. So how to convert this force into moment, I will let you know later on. Okay, first be very much clear that this entire numerical is in theta coordinate. Okay, now once you get this numerical is in theta coordinate, then what to do? Let's go for kinetic energy. How many elements are there? 3 elements, spring, damper, rod. Out of that 3 elements, only 1 element mass is given, that is what, rod mass, which is given as 1.8 kg. okay, so that rod will come under kinetic energy equation. Now this rod is going to have what, theta coordinate displacement. So how to write down the kinetic energy of theta of an element which is having displacement or velocity in theta coordinate? I told you already, it is given by half of mass moment of inertia into angular velocity square. So I have written the same, and I always write down IKS as suffix O. That suffix O indicates what, point of vibration. So in this case, the point of vibration, this rod is going to oscillate with respect to this end point. So us end point ko maine O bola hai, to maine yahan pe likh diya hai. Okay, so this end point is what, designated as O, which I have written here. Now this much is clear to you, I think so, because इसमें मैंने पहले के जैसा कुछ भी नया यूज़ नहीं किया, everything is same. Okay, अब मेरे लिए टास्क है I not find करना. So I not क्या होता है, mass moment of inertia about this point of vibration. तो मैंने आपको पहले भी rod के बहुत सारे numericals लिए हैं, उसके अंदर मैंने सीखा है how to get that. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, parallel axis theorem लगाएंगे. Parallel axis theorem में कैसे यूज़ करेंगे, IG plus mass into डिस्टेंस बिटवीन सी जी टू द पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन का स्क्वायर. ओके नाउ किसी भी रॉड का आई जी वैल्यू क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये आपको मैंने बताया है. ओके प्लस मास, मास मतलब एम ए, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम सी जी टू पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन. अब ये पूरा रॉड है, पूरे रॉड की लेंथ एल है, तो सी जी कहाँ पर आएगा, एल बाई टू पर ही आएगा, बरोबर. और इसका पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन तो एंड पे है ना इधर, तो सी जी से लेके पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन तक का डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू ही है.
तो देखो यहाँ पे एल बाय टू लिख के उसका स्क्वायर कर दिया। तो आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ये जो आई नॉट रहता है, ये आई नॉट को हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करते हैं, और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल डील कर लिए अभी तक, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो इंटरमीडिएट टर्म है, यही मेरा आई इक्विवेलेंट वैल्यू है, ठीक है। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ आई इक्विवेलेंट वेरी मच क्लियरली। नाउ आई विल गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? स्प्रिंग का होगा, बिकॉज रॉड हॉरिजेंटल वे में है और डैम्पर तो डैम्पिंग एनर्जी में आता है, ठीक है। अब अगर हम रॉड के लिए जाते हैं, सॉरी स्प्रिंग के लिए जाते हैं, तो थीटा कोऑर्डिनेट में लिखना है। तो अगर ये मान लो ये रॉड नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ लाइक दिस, सी माई कर्सर, इफ इट मूव्स इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, ओके, सो दिस स्प्रिंग विल हैव अ डिस्प्लेसमेंट समथिंग दैट इज नथिंग बट फाइंड आउट बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर। और मान लो ये जो डिस्टेंस है ना 0.2 मीटर, इसको मैं वैल्यू बोलता हूँ ए, स्मॉल ए, आई रिप्रेजेंट दिस एज विद द सिंबल स्मॉल ए। सो हाउ आई विल राइट ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग? हाफ, आपको पता है स्प्रिंग स्टिफनेस मतलब के, ये भी आपको पता है, एंड देन स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेक्टर के कॉन्सेप्ट में होगा। अगर रेडियस है ए और एंगल टर्न है थीटा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए थीटा। तो देखो आपने ए थीटा द होल स्क्वायर मैंने लिख रखा है, तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ के स्क्वायर थीटा स्क्वायर। नाउ द टर्म विद द 1/2 एंड थीटा स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर इज कॉल्ड एज अ के इक्विवेलेंट। ओके, अभी आपके पास के की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 × 10^5 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। ए मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो रेडियस, ये जो 0.2 मीटर था उसी को मैंने ए बोला था, तो मैंने उठा के वहाँ पे डाल दी, तो मुझे के इक्विवेलेंट मिल गया। ओके, अब आई इक्विवेलेंट चाहिए ना मुझे, तो आई इक्विवेलेंट के लिए ये आपके पास वैल्यू मिली है। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू पुट द वैल्यू ऑफ एम एज 1.8 kg, देख लो यहाँ पे लिखा है, एंड द वैल्यू ऑफ एल एज 1.1 मीटर, दिस इज 1.1 मीटर, प्लीज बी स्पेसिफिक, दिस इज 1.1 मीटर। सो आपको एम की वैल्यू 1.8 kg यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे डालनी है, और लेंथ की वैल्यू 1.1 मीटर डालनी है, जो कि यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। अगर आप वो सब्स्टिट्यूट करोगे ना, आपको आई इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा 0.726। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एम और एल सब्स्टिट्यूट करना, और आपको आई इक्विवेलेंट का वैल्यू 0.726 मिलेगा, वो यहाँ पे डाल देना। बिकॉज अगर हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सो हाउ वी गेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज़ अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट बाय आई इक्विवेलेंट। यू गॉट द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट, यू गॉट द वैल्यू ऑफ आई इक्विवेलेंट, ओके, विच इज 0.726। सब्स्टिट्यूट दिस टू वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट मी टेल यू, आपको अभी तक कुछ नया मिला क्या? बिल्कुल नहीं। आप तो मॉड्यूल 3 में भी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, आपने तो मॉड्यूल 3 में भी पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हमने वहाँ पे भी फाइंड किया, तो नया कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स है एक के बाद एक आते जा रहे हैं। ओके, फिर जब हम डैम्पर की तरफ गए थे, तो डैम्पर को हमने किस कौन से मॉड्यूल में देखा? मॉड्यूल 4 में देखा, और मैंने आपको क्या बोला, ये वाला स्टेप आप अवॉइड करो, आप ये वाले स्टेप पे फोकस करो जो मैंने और करके लिखा है, जो आपको समझ में आएगा। ओके, तो वो स्टेप क्या है? 1/2 डैम्पिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 बाय स्टैंडर्ड रूल आता है वो, इनटू डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो इस न्यूमेरिकल में डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या है? सी। तो देखो मैंने यहाँ पे सी लिखा है। फिर डैम्पर का वेलोसिटी, अब डैम्पर देखो यहाँ पे अटैच्ड है, और ये वाले एंड पॉइंट के अबाउट ये रॉड वाइब्रेट होने वाला है। तो जब डैम्पर नीचे आएगा, तो वो सेक्टर डिस्टेंस कितना रहेगा? रेडियस इंटू एंगल टर्न। रेडियस कितना रहेगा उसका? पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन से एल रहेगा, देख रहे हो, ये एल रहेगा, और एंगल टर्न थीटा है। तो डैम्पर का जो डिस्प्लेसमेंट है एल थीटा है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एल थीटा डॉट। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वो लिखते वक्त थोड़ा सा कट हो गया, बट यू कैन सी दिस, इट विल बी एल थीटा डॉट द होल स्क्वायर। ओके, दिस विल बी एल थीटा डॉट द होल स्क्वायर। सो फाइनली यू विल गेट हाफ ऑफ, इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, सो दिस विल बिकम सी एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, एंड द टर्म विथ 1/2 एंड थीटा डॉट स्क्वायर इज सी एल स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सी इक्विवेलेंट। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू गॉट द वैल्यू ऑफ वॉट? सी इक्विवेलेंट। नाउ इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला लिस्ट, देयर इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट आर इज गिवन बाय ओमेगा एन।
value of omega is already given to you in the numerical. You can see here 100 radians per second, and omega n you got it over here, which is 105 radians per second. So if you substitute over here, you will get the value of r as a 0.9523. Okay, now the next part is what theta is. Now let me be very much clear, we are dealing with the theta coordinate, fine. So I told you already, whenever we go for theta coordinate, we write down m naught by kt or k equivalent, you can say. Okay, now m naught is what? Moment. But over here, as an external element, they have given you the force. So what you have to do, you have to multiply the force with the distance so that you will get moment. If you remember, आपको पता रहेगा मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो अगर मैं फोर्स के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे मोमेंट मिल जाएगा. फाइन, नाउ डिस्टेंस कितना, दिस इज द बिग क्वेश्चन, डिस्टेंस कितना. तो हमेशा डिस्टेंस टिल पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन याद रखना, डिस्टेंस टिल पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन. तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एंड पे एक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेके पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन तक का डिस्टेंस, मतलब वो कितना वैल्यू है, वो है एल. ओके, सो यू कैन सी हियर, मैंने मोमेंट के जगह पे एफ नॉट इनटू एल लिखा है. ओके, दैट एफ नॉट इज व्हाट फोर्स एंड एल इज व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन. ओके, नाउ वन मैन आस्क मी, सर ये तो एफ नॉट साइन ओमेगा टी था, आपने साइन ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा? लेट मी बी वेरी मच क्लियर, हमने टाइटल में ही पढ़ा था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये जो साइन ओमेगा टी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है. ओके, इसीलिए हम वहाँ पे साइन ओमेगा टी नहीं लिखते, क्योंकि साइन ओमेगा टी जस्ट इट इज शोइंग यू दैट दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो दिस एफ नॉट एफ ओ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन. तो आप देख सकते हो, मैंने m नॉट के जगह पे, मोमेंट के जगह पे f नॉट इनटू l लिखा, f नॉट 100 न्यूटन है और लेंथ 1.1. मैं वापस कह रहा हूँ, ये जो लेंथ है ये इसीलिए l आया क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन तक का डिस्टेंस चाहिए था, और पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन आपका एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, इसके लिए वैल्यू आ गई. ठीक है, और आपने k इक्वलेंट ऑलरेडी फाइंड की है, तो आपने सब वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, आपको थीटा एस्टी मिल गया. अब मुझे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जीटा चाहिए. जीटा इज वॉट सी इक्वेलेंट बाय सी सी इक्वेलेंट. ओके, सी इक्वेलेंट आपको सी एल स्क्वायर मिला है, और सी सी इक्वेलेंट टू आई इक्वेलेंट ओमेगा एन होगा बिकॉज इट इज इन थीटा कोऑर्डिनेट, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है. ओके, सो उस अकॉर्डिंग मैंने सी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी गई है डाल दी, एल आपको क्वेश्चन में गिवन है वो डाल दिया, टू आपको गिवन है, आई इक्वेलेंट हमने फाइंड किया वो डाल दिया, ओमेगा एन हमने फाइंड किया वो डाल दिया, तो जिससे मुझे जीटा मिल गया. ओके, अब मुझे क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज उठा के मेरा वो जो बेसिक फॉर्मूला है स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड मतलब थीटा का, उसमें डालना है. तो देख लो, थीटा कोऑर्डिनेट है, तो मैंने आपको पहले कहा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के जगह थीटा हो जाएगा, तो थीटा आ गया. एक्स एक्स टी के जगह पे थीटा एस टी का वैल्यू आएगा, जो कि ये रहा थीटा एस टी, वो यहाँ पे आ गया अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू 0.9523. सो देख लो, दिस इज वॉट पॉइंट, वेट, सी देर इज अ करेक्शन, देर इज अ एरर इन राइटिंग, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक अ करेक्शन. यहाँ पे जब आप वैल्यू डालोगे, ये वन माइनस आर स्क्वायर है, तो आर की जो हमारी वैल्यू आई है ना, वो आई है 0.9523. तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते वक्त 0.9523 सब्स्टिट्यूट करना है. ओके ओके, प्लीज बी वेरी मच क्लियर, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते वक्त 0.9523 सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला अगेन. यू कैन सी हियर, वन माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर. सो आई हैव मेड अ टाइपिंग एरर ओवर देयर, राइटिंग एरर. सो यू वाइल सब्स्टिट्यूटिंग ओवर हियर, यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एज अ 0.9523, देन मेक इट इट्स स्क्वायर एंड देन इंटायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर. ओके, then 2 zeta, zeta is 0.238 which is perfect, then again the value of r is 0.9523. so please be very much clear, you have to write down 0.9523, then again bracket the whole square. okay, so please refer the formula which I have explained you in the early time of my session, and if you solve this you will get the value of theta. so this is what
steady state amplitude value which you have got. Okay, now let's try to recap the entire numerical. We will find that हम लोग काइनेटिक एनर्जी पहले भी निकालते थे, अभी भी निकाल रहे हैं. पोटेंशियल एनर्जी भी पहले निकालते थे, अभी भी निकाल रहे हैं. तो इससे आई इक्वलेंट मिल पहले निकाला, फिर के इक्वलेंट भी पहले निकालते थे, वो अभी भी कर रहे हैं. नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी हम पहले फाइंड करते थे, वो भी हमने अभी किया. डैम्पिंग एनर्जी भी हम पहले फाइंड करते थे जिससे सी इक्वलेंट मिलता है, वो भी हमने किया. अब नया क्या आ गया बॉस? तो नया आ गया आर विच इज़ ओमेगा बाय ओमेगा एंड दिस इज अ फॉर्मूला. नया आ गया थीटा एस टी विच इज़ एम नॉट बाय के टी. तो ये एम नॉट कैसे फाइन करना है मैंने आपको सिखा दिया. फिर जीटा, जीटा तो हमने पहले फाइन करना सीखा है ऑलरेडी मॉड्यूल फोर में. और उसके बाद ये पूरे फॉर्मूला एक नया आया, उसके अंदर सब्सटीट्यूशन. मैं वापस कर रहा हूँ, वाइल सब्सटीट्यूटिंग इन फॉर्मूला प्लीज सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एज अ 0.9523 ओवर हियर. दिस देयर इज अ एरर इन राइटिंग, सो प्लीज डू अ करेक्शन. ओके, आई होप सो इफ यू राइट डाउन द 0.9523 यू विल गेट द सेम आंसर. आई होप आंसर इज राइट, आंसर करेक्ट है. सिर्फ लिखते वक्त मैंने यहाँ पे टाइपिंग एरर कर दी है. ओके, सो मेक अ करेक्शन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल. यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज गेटिंग रिपीटेड बट इन डिफरेंट वे. ओके, सो वॉट आई रिक्वेस्ट, वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू शुड प्रिपेयर अ फॉर्मूला लिस्ट एंड वॉट एवर द फॉर्मूला आई हैव गिवन यू इन माई अर्ली स्टार्ट ऑफ द सेशन that you have to note down. Okay, and I have already shared this PDF in your group. You can refer this PDF. Okay, and you can start practicing such numericals. Then if I go to the next numerical, okay, using the given values determine the steady state amplitude of the block. मैंने आपको पहले ही कहा था ना keywords होते हैं, तो अभी यहाँ पर वापस उसने क्या बोला, steady state amplitude. अब steady state amplitude find करना है, मतलब ये again type वन है. अब ये क्या है देख लो, एक कंपाउंड पुली है, वो बीच में हिंज है, जो इनर रेडियस है स्मॉल आर है, आउटर रेडियस जो है टू आर है. आउटर रेडियस के पेरीफेरी पे स्प्रिंग अटैच्ड है विद द स्प्रिंग स्टिफनेस के. इनर रेडियस पे एक डैम्पर अटैच्ड है विद द डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी. इनर रेडियस पे ही एक ब्लॉक एम अटैच्ड है और ब्लॉक एम के नीचे तुमको ऐसा के करके दिया गया है. ओके, दैट इज स्प्रिंग इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग स्टिफनेस के. और उस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दिया गया है एक्स. ओके, और ये जो पूरा कंपाउंड पुली है उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई करके दिया गया है. ओके, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज अ करेक्शन आई थी. ठीक है, यहाँ पे ना एक एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई हुआ है. ओके, सो व्हेन यू रेफर दिस न्यूमेरिकल प्लीज मेक अ करेक्शन और इंक्लूड दिस करेक्शन. आई से आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल मोमेंट दिया गया है जिसका वैल्यू उन्होंने एम नॉट करके दिया है. अब ये वैल्यूज जो दी गई ना, ये भी आपको क्वेश्चन का पार्ट है. तो आप देखो, एम मतलब 10 kg, मतलब इस ब्लॉक का मास आपको 10 kg दिया है. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मतलब 0.1 kg मीटर स्क्वायर आपको दिया है. रेडियस मतलब 0.1 meter ये आपको दिया है. स्टिफनेस मतलब दिस वैल्यूज, दिस टू स्प्रिंग स्टिफनेस वैल्यूज 1.6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर. ओके, दिस इज गिवन एज अ न्यूटन पर मीटर. देन डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी इज 640 N/s/m. एम नॉट इज 100 N/m. मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई करके दिया. जस्ट यू हैव टू शो कपल. ओके, एक कपल शो कर देना वहाँ पे, तो इससे वो पता चल जाता है कि ये मॉडल 5 फोर्स्ड वाइब्रेशन का न्यूमेरिकल है. ओके, सो विद दैट आई एम सेइंग दैट ये एम नॉट आपको पहले से गिवन है. आपको फोर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी 180 rads/s ये भी पहले से गिवन है. ओके, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक एडिशनल मार्किंग करना है. यहाँ पे कपल अप्लाई करके दिया गया है. ओके, दैट कपल इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो भी याद रख लो. आप उसको सॉल्व जब बुक में लिखोगे तो प्रॉपरली नोट डाउन करना. दैट कपल इज गिवन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू इज बीन मेंटेन्ड एट एम नॉट एंड दैट एम नॉट वैल्यू इज गिवन इन द गिवन पैरामीटर. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एज यूजुअल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितने एलिमेंट्स का आएगा? दो, एक एक कंपाउंड पुली का आएगा और एक इस ब्लॉक का आएगा. अभी जो ब्लॉक है लीनियरली मूव कर रहा है, तो लीनियर के लिए क्या लिखते हैं, 1/2 मास दैट इज एम, लीनियर वेलोसिटी दैट इज एक्स डॉट स्क्वायर. ओके, बट ये कंपाउंड पुली, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो कंपाउंड पुली रोटेट होगा. रोटेशनल कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ
आई थीटा डॉट स्क्वायर, तो आप देख सकते हो मैंने वो मेंशन किया, ये मॉडल 3 4 में मैंने बहुत बार सिखाया है। प्लीज़ अगर आपको डाउट अब आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट आप मॉडल 3 मॉडल 4 से गो थ्रू करिए, अगर आपने वो गो थ्रू किया तो यहाँ पे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन जैसे कि देख सकते हो दो अलग कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट और थीटा कोऑर्डिनेट, वी हैव टू डील इन ओनली वन कोऑर्डिनेट, सो लेट्स कन्वर्ट दिस एक्स कोऑर्डिनेट इन थीटा। अगर ये ब्लॉक एक्स से नीचे आएगा तो ये ब्लॉक एम जो है इनर रेडियस को अटैच देख सकते हो, तो उसका जो सेक्टर ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल करेगा आर थीटा, क्यों? क्योंकि वो इनर रेडियस को अटैच्ड है। तो आप देख सकते हो एक्स डॉट के जगह पे आर थीटा डॉट लिखा मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू आर थीटा है, तो वेलोसिटी एक्स डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डॉट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आर थीटा डॉट आ गया। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एम आर स्क्वायर प्लस आए, नाउ दिस इंटायर ब्रैकेट टर्म इज कॉल्ड एज वॉट, आई इक्विवेलेंट। ओके, तो मैंने अलग से लिख लिया, अब जो भी मेरे पास वैल्यूज दी गई थी एम आर और आई मैंने सब्सटीट्यूट करके आई इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। ओके, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी पे जाना है, तो जितने स्प्रिंग है वो सब आ जाएंगे, तो एक ए स्प्रिंग है और एक ए है, ये स्प्रिंग का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो इसका क्या लिखेंगे 1/2 kx2, बट एक्स इज इक्वल टू वॉट आर थीटा, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2 ऑफ के एक्स के जगह पे आर थीटा और उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन ये आउटर स्प्रिंग पे जाते हैं, तो आउटर स्प्रिंग जो है वो आउटर रेडियस पे अटैच किया गया है 2r वाले पे, दिख रहा है? ओके, सो इट्स वैल्यू विल बी 1/2 ऑफ के ऑफ 2r थीटा स्क्वायर, बिकॉज इस स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा आउटर पेरीफेरी पे होगा। ओके, जब वो आउटर पेरीफेरी पे होगा तो उसका सेक्टर डिस्टेंस कितना आएगा, 2r थीटा आएगा। आई होप यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई टॉट यू इन द अर्ली डेज। तो ये मैंने पूरी पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन लिख दी, ये आउटर पेरीफेरी वाला है और ये इनर पेरीफेरी वाला है, इसको सॉल्व किया, इसको इधर सॉल्व किया, फिर कॉमन टर्म सेपरेट किया, तो ये इतना 4kr + kr², तो ये जो ब्रैकेटेड टर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, के इक्विवेलेंट, तो वो वैल्यू आपको मिल गई। ओके, एक बार के इक्विवेलेंट आई इक्विवेलेंट मिल गया तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा √k/i, और ये वैल्यू डाल दो तो आपको ओमेगा एन मिल गया। अब डैम्पिंग एनर्जी पे जाना है, तो प्लीज़ डोंट रेफर दिस, रेफर दिस ओनली जो मैंने बॉक्स में मार्क किया है। ओके, सो दैट इज़ वॉट 1/2 ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट, जो कि इस न्यूमेरिकल में सी है, और उसका वेलोसिटी। सो डैम्पर कहाँ पे अटैच्ड है देखते हैं, सो डैम्पर भी इनर पेरीफेरी पे अटैच्ड है, तो इनर पेरीफेरी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो इनर पेरीफेरी पे एलिमेंट अटैच्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट है आर थीटा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर थीटा डॉट। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आर थीटा डॉट द होल स्क्वायर कर दिया, सो दिस बिकम्स 1/2 ऑफ CR² थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से आपके पास डैम्पिंग एनर्जी भी आ गई, और 1/2 थीटा डॉट स्क्वायर के साथ जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी इक्विवेलेंट, तो आपको सी इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट में क्या करना है, सी की वैल्यू और आर की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, बॉक्स में देखो मैंने हाईलाइट किया है, सी इक्विवेलेंट इज CR², सो सी 640 एंड आर इज गिवन 0.1, सो अकॉर्डिंगली सी इक्विवेलेंट आ गया। देन आर इज इक्वल टू व्हाट, ω/ωn, ओमेगा आपको पहले से 180 रेडियंस पर सेकेंड गिवन है, ओमेगा एन आपने फाइंड किया 200, सो आपको आर की वैल्यू मिली। जीटा की वैल्यू क्या होती है, सी इक्विवेलेंट बाय सी सी इक्विवेलेंट, अब थीटा कोऑर्डिनेट में है तो सी इक्विवेलेंट तो आपके पास पहले से 6.4, वो आपने न्यूमरेटर में डाल दिया, और थीटा कोऑर्डिनेट में सी सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, 2i equivalent ωn, तो आपके पास 2 स्टैंडर्ड है, आई इक्विवेलेंट फाइंड किया है, ओमेगा एन ये रहा 200, ये भी फाइंड किया है, तो आपको जीटा मिल गया। थीटा एसटी इज इक्वल टू व्हाट, m0/k equivalent, अब इस न्यूमेरिकल में लेट मी बी वेरी मच स्पेसिफिक, आपको मोमेंट का वैल्यू डायरेक्टली दिया है ना, देख लो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, ये रहा मोमेंट का वैल्यू, और वो किधर एक्ट कर रहा है, एज अ कपल इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जब वो मोमेंट की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है तो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, देन आपको जो भी एम नॉट दिया है वो सब्सटीट्यूट कर दो। बट अगर मोमेंट नहीं दिया है, फोर्स दिया है, तो हाउ टू गेट इन मोमेंट, वो मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में सिखाया, फोर्स इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कौन सा रहेगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन, बट यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एम नॉट का वैल्यू डायरेक्टली दिया गया है। ओके, तो वो मैंने डाल दिया, सो वंस यू गेट द थीटा एसटी, देन वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला थीटा अपॉन थीटा एसटी, हम फॉर्मूले में इसको राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो मैंने थीटा एसटी यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में,
तो न्यूमरेटर में यहाँ पे वन रखा है और अंडर रूट जो भी है डिनोमिनेटर में वन माइनस आर स्क्वायर, दैट आर इज 0.9 द स्क्वायर द होल स्क्वायर, ओके, प्लस टू ऑफ जीटा दैट इज 0.08 इंटू 0.9 द होल स्क्वायर एंड विद दैट यू विल गेट द थीटा, ओके. सो वॉट आई कैन से वी हैव सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल विद द सेम मोटो ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड, ओके. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आफ्टर माई सेशन यू आर सपोज टू मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला. अगर आपने फॉर्मूला लिस्ट बनाई तभी आपको समझ में आएगा. एक बार फॉर्मूला लिस्ट हो गया और ये पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है, आप ये पूरे न्यूमेरिकल्स को अपने खुद के हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में लिख के लीजिए, ओके. एंड इन बिटवीन दैट अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर डाउट ऑन योर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क योर डाउट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ओके. मैं वापस कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज वेरी मच सिमिलर, ओनली देयर इज अ फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला, ओके. इफ यू डू प्रैक्टिस यू विल लर्न इन वेल मैनर, ओके. सो थैंक यू सो मच, आई एम स्टॉपिंग माई सेशन टूडे हियर ओनली, ओके. टेक केयर.